हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग बात करने जाएंगे टेस्ट परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट में। 15 जून को बेंचमार्क रखा है, उससे पहले जितने भी टेस्ट कंडक्ट कराए गए थे मेन पैटर्न टीचर्स द्वारा प्रिपेयर्ड थे, और जो एडवांस पैटर्न टेस्ट था FST वाले टेस्ट हुआ करते थे उनके टेस्ट पेपर हम में से सारे बच्चों के पास अवेलेबल था। तो एज ए रिजल्ट कि वो प्रैक्टिस के एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया था, बट उसके ग्राउंड पे कुछ डिसीजन ले पाना लिटिल बिट चैलेंजेस थे उसके साथ। सो 15 जून से 10 टेस्ट मेन पैटर्न के और 5 टेस्ट एडवांस पैटर्न के, विच मीन 19 जुलाई तक के। इस इंटरवल में हम सब ने NTA वाले ऐप से टेस्ट नंबर 11 से 20 तक 10 टेस्ट अपियर हुए हैं, और साथ ही साथ FST 11 से लेकर 14 एज वेल एज प्रीवियस ईयर पेपर 2014। तो टोटल 5 टेस्ट एडवांस्ड के और 10 टेस्ट हम सब ने मेन का अपियर हुआ है। इन 15 टेस्ट का जो कंबाइंड आउटकम है दोनों को सेपरेटली एनालाइज किया गया है। एडवांस्ड वाले पांचों को एक साथ रखा गया और मेंस वाले 10 टेस्ट को एक साथ रखे हैं। सो जो एडवांस के 5 टेस्ट का परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो जो ओवरऑल एनालिसिस प्रेडिक्ट कर रहा है अभी के ग्राउंड पे, अगर बेंगलोर की एस्पेक्ट में बात कर लो तो बेंगलोर से 2/3 के आसपास एक्सपेक्टेड है बच्चों को IIT में सीट मिल पाना। ध्यान रखना ये IIT क्वालिफाइंग की बात नहीं हो रही है, IIT में ज्वाइनिंग के एस्पेक्ट में IIT में कितनों को सीट मिलेगा इस ग्राउंड पे ये बात बताया जा रहा है। 2/3 एज ऑफ नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम तक हमारा बना रहेगा, मैक्सिमम बच्चों का बना रहेगा, तो ऐसा कुछ आउटकम बनता हुआ दिख रहा है। हैदराबाद वाले केस में लिटिल बिट डिफरेंट है, 60% है, बहुत अच्छा है वो भी 60%, 66%, ये दोनों लोकेशन का अभी तक का परफॉर्मेंस का एनालिसिस अभी तक का प्रेडिक्शन है। थोड़ा सा अगर टेस्ट परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल देखा जाए, ऊपर से थोड़ा कंसीडर करो, तो जैसे दो परफॉर्मेंस, एक गोपाल का और अयान का, दोनों लोग 70% से ज़्यादा एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। पाँचों टेस्ट का उनका एवरेज परफॉर्मेंस मोर देन 70% है, जो कि अपने आप में अंडर 100 के रैंक की काबिलियत रखता है। द थिंग इज कि इसी परफॉर्मेंस को फाइनल एग्जाम तक मेंटेन रख पाना और टेस्ट पेपर के टफनेस के हिसाब से अगर थोड़ा इजी हुआ तो और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाना, थोड़ा टफ हुआ तो मे भी थोड़ा नीचे में भी इतने रैंक आ सकते हैं। सो ये दो स्कोर, ये दो परफॉर्मेंस इस टाइप के दिख रहे हैं। इससे अगर आगे बढ़ो तो आगे में कुछ परफॉर्मेंसेस जैसे विशाल, मयंक, दीप अग्रवाल, सुमित, गणेश, चेतन, उत्कर्ष, सूर्यांशु, साई किरण, ये सब ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस जो है 60 से लेकर 70 के रेंज में है, विच मीन कि ये अंडर 1000 का रैंक अचीव कराता है। अगर सचमुच में ये परफॉर्मेंस आप लोग रिपीट कर पाओगे फाइनल एग्जाम में, आप जाते हुए ऐसा कर लो जो कि एक्सपेक्टेड है आप लोगों से, तो यकीन मानो आप दक्षिणा के पिछले 12 साल के इतिहास में, पिछले 10 साल के रिजल्ट के हिस्ट्री में आप एक यूनिक परफॉर्मेंस देने वाले हो। बिकॉज अब तक कभी भी किसी भी पर्टिकुलर बैच में ओवरऑल, जैसे आपका JEE 2020 का बैच है, तो पूरे बैच की अगर बात करो तो जो अंडर 1000 परफॉर्मेंस का जो नंबर होता है वो अभी तक सिंगल डिजिट ही रहा है। अगर लास्ट ईयर देख लो 2019 में 7 लोगों ने अचीव किए थे, 18 में 6 मेंबर्स का ऐसा था, 17 में 4 लोगों के अंडर 1000 रैंक थे, 15-16 में जो है 2-2 लोगों का था, उससे पहले 14 में 6 लोगों का था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 से कम ही लोग हो पाते हैं जो कि 1000 रैंक से अंदर अचीव किए। बट अभी जैसा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, जिस टाइप का आपका प्रॉमिसिंग रिजल्ट आ रहा है, ये अपने आप में उम्मीद बंधाता है कि आप में से करीब करीब ये नंबर 11 निकल के आ रहा है। और इसी तरीके से 2-3 लोग और हो, जैसे बिरंची है, राहुल है, ये लोग चूंकि कंसिस्टेंटली टेस्ट में नहीं अपियर हुए हैं तो इस वजह से इनके परफॉर्मेंस को वहाँ पे नहीं काउंट किया। अदरवाइज जो टेस्ट इन्होंने दिया है उसमें इनके भी परफॉर्मेंस 60% से ज़्यादा रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल काउंटिंग वाइज वी आर एक्सपेक्टिंग सम 15-20 मेंबर्स हु विल बी परफॉर्मिंग अंडर 1000 ऑल इंडिया रैंकिंग इन देयर JEE एडवांस्ड। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। होप कि आप इसको मेंटेन रखो, ऑल द बेस्ट, आप इस डायरेक्शन में बढ़ते जाना। अगर मेंस पे थोड़ा सा फोकस किया जाए तो मेंस में अगेन गोपाल और गणेश, ये दो लोगों का जो परफॉर्मेंस है इन दोनों के साथ 5 लोगों का परफॉर्मेंस ऐसा है जो 80% एक्सीड करता रह रहा है। दिवाकर है, सूर्यांशु है, सुदीप्ता है, ये लोगों के परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस जो 10 टेस्ट का निकल के आता है वो 80% से ज़्यादा है। और इसी टाइप से अगर टोटल बात कर लो
तो करीब करीब 109 मेंबर्स ऐसे हैं, 109 लोग आउट ऑफ 369 हुज परफॉर्मेंस इज मोर देन 55%, हुज एवरेज परफॉर्मेंस इज मोर देन 55%, विच मीन कि ये 10,000 के अंदर की रैंकिंग है. ऑफ कोर्स अगेन अ न्यू माइलस्टोन इफ वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम परफॉर्मेंस इन आवर फाइनल एग्जाम. सो ये कुछ बातें थी आपके एग्जाम परफॉर्मेंस से रिलेटेड. थोड़ा सा एस्पेक्ट स्पेक्यूलेशन को लेकर है अपना कि सितंबर में अगेन मेंस के एग्जाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे. ऑब्वियसली हम और आप में से कोई भी मेंबर इस चीज़ पे जस्ट अंदाजा लगा सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट ऐसा कोई भी फैक्ट एंड फिगर जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने निकल कर नहीं आता है, हम लोग को यही अज्यूम करते हुए चलना है कि हाँ उन्हीं शेड्यूल डेट्स में हमें एग्जाम के लिए अपियर होने हैं. इन केस किसी भी अनएक्सपेक्टेड अनअवॉइडेड सिनेरियो की वजह से अगर वो चीज़ें दोबारा से रिशेड्यूल होंगी या चेंज होंगी तो हम लोग अगेन अपने आप को उसके हिसाब से ढालेंगे. बट अभी जब तक कि ऑफिशियली जेई मेन की तरफ से, एनटीए की तरफ से या एमएचआरडी की तरफ से कोई भी डिसीजन आप तक नहीं पहुंचता है, तब तक आप यही अज्यूम करके चलो कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोगों को मेंस के लिए अपियर होना है और 23rd ऑफ सितंबर को हमारा फाइनल एडवांस्ड की एग्जाम होने वाली है. अब जब टेस्ट और टेस्ट परफॉर्मेंस की बात हुई तो थोड़ा सा टेस्ट अटेंडेंस को भी फोकस करना चाहेंगे. टेस्ट अटेंडेंस का ओवरव्यू कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 50% 177 स्टूडेंट है टोटल, दोनों लोकेशन का कंबाइंड नंबर बता रहा हूँ. 50% ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंटली एडवांस के टेस्ट को अपियर होते हैं, जो कि मतलब टेस्ट वाले मैक्सिमम परफॉर्मेंस में बैठ रहे हो. अगर 5 टेस्ट हुआ है तो 3 में बैठे होगे, 4 में बैठे होगे, 5 में बैठे होगे. सो इस टाइप का जो नंबर्स है ये 50% के आसपास है. इसके एडिशन में 20% ऐसे लोग हैं जो कि मेंस थोड़ा कम दे रहे हो बट कंसिस्टेंटली, सॉरी, एडवांस्ड थोड़ा कम देते हो बट कंसिस्टेंटली मेंस वाले टेस्ट परफॉर्मेंस में बैठा करते हो, तो ऑलमोस्ट ये नंबर निकल करके 70% का बन के आता है. इसके बाद 20% हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि गाहे बगाहे कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं. 5 में से 1 टेस्ट उनको मन किया, 10 में से 2 टेस्ट मन किया, मतलब 100% रैंडमनेस है नेक्स्ट 20% की आबादी के साथ. सो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है वैसे दोस्तों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि रेगुलरली ना ही मेंस वाले को फोकस कर पा रहे हो ना ही एडवांस वाले को. अगर इनसे डिस्कस किया जाए, इनके रीज़न अगर इनसे जाना जाए तो ये कहा करते हैं कि सर हम रिवीजन में लगे हुए हैं, हमारा कुछ पर्सनल प्लानिंग पैरेलल में चल रहा है. तो उन चीज़ों को आप ध्यान में न लेते हुए आप एक चीज़ केवल इस चीज़ से कंपेयर करना, अगर आप अपने ऑर्गेनाइज टेस्ट को काउंट करो सो 1st of July से लेकर 29th of July, ये जो जुलाई का मंथ हमारा बीत रहा है, आज 31st हो गया, सो ये जुलाई के इंटरवल में टोटल हम लोगों ने 12 टेस्ट कंडक्ट कराए हैं. आउट ऑफ दिस 12 टेस्ट 7 टेस्ट आर मेन पैटर्न एंड 5 टेस्ट आर एडवांस्ड पैटर्न. आउट ऑफ देम 2 आर प्रीवियस ईयर पेपर एंड 3 इज न्यू पेपर. सो अब तुम कंपेयर करके देखो कि क्या तुमने 12 टेस्ट अपने से अपियर हुए थे इस पूरे जुलाई के महीना में. अगर आंसर आपका हाँ निकल करके आता है, आप अगर 12 या 12 से ज़्यादा टेस्ट खुद से परफॉर्म करते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो, वेल एंड गुड, फिर तो इन टेस्ट में आपका कम अटेंडेंस कोई वरी सम नहीं है, कोई ज़्यादा चिंतनीय बात नहीं है. लेकिन अगर 12 से भी कम टेस्ट आपने दिए हैं आउट ऑफ 30 डेज, तब तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि आपने इधर से अपने आप को इसलिए कट किया है कि मैं अपने पर्सनल प्लान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन मैनर में आगे बढ़ रहा हूँ, और दूसरे साइड से पर्सनल लेवल पे भी आप टेस्ट इस वजह से नहीं दे रहे हो क्योंकि हमें रिवीजन करना है. तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही तरफ से आपके लिए नुकसानदेह होगा. सो वैसे दोस्तों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये सिंसियर मैसेज है कि आप जुलाई के मंथ को एक बार रिव्यू करो कि आपने टोटल कितने टेस्ट पर्सनल ग्राउंड पे दिए हो, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो. अगर आपका नंबर्स 12 से कम निकल करके आता है, आप डेफिनेटली इन टेस्ट में अपने आप को सिंक कर लो, इन टेस्ट में अपियर कराना शुरू कर दो. और अगर 12 से ज़्यादा निकल करके आता है या 12 के इक्वल आता है, तब आप अगर किसी और प्लान के साथ जा रहे हो जो आपको थोड़ा बेटर दिखता है, यू कैन गो अहेड, देन नो प्रॉब्लम एट ऑल. 10% और ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं दिए हैं. इसका टोटल नंबर 38 है, 21 हमारे बेंगलोर वाले हैं और 17 हमारा हैदराबाद से है. सो वैसे दोस्तों के लिए अब क्या क्या ही कहा जाए. अगर 15 टेस्ट में से 20 पेपर में से अगर एक भी टेस्ट तुम नहीं दिया है,
मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से तुम प्रिपेयर कर, जो कुछ भी तुम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, थोड़ी सी आशा बंधेगी, थोड़ी सी उम्मीद रहेगी कि वैसे भी लोग कम से कम एक बार तुम कॉल के थ्रू नंबर डायल कर लेना, कॉल करके एक बार थोड़ा बात करना, बताना अपने बारे में कि क्या क्या चीज़ें तुमने सोचा था, किस रीजन से तुम 100% टेस्ट को इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हारी प्लानिंग चल रही है, कैसे तुम अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हो, थोड़ा तुमसे भी जानने की इच्छा होगी, सो दैट कि अगर कुछ पॉसिबल हो पाए तो तुम्हारे लिए भी गाइड कर सकें। सो इस तरीके से समराइज्ड मैनर में तीन बातें। सबसे तो पहली बात कि आप सबको खूब खूब बधाई, बधाई इस बात की कि आपका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रेडिक्शन अभी दिख रहा है उसके ग्राउंड पे ऐसा अपीयर होता है कि आप में से 2/3 से ज़्यादा लोग जो हो सो IIT को ज्वाइन करने जा रहे हो। उसके एडिशन में 20-25% लोग और ऐसे हैं जो कि मेंस के थ्रू कुछ अच्छे NITs को गेन करोगे, NITs को पहुँचोगे, NITs में एडमिशन ले पाओगे। और बाकी लोगों से भी कहना है कि आप अब जो हो टेस्ट के माध्यम से, अच्छा हाँ एक आस्पेक्ट और थोड़ा टच करना चाहेंगे, रिवीजन वाला पार्ट। अब देखिए रिवीजन तो मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जैसा बन जा रहा है क्योंकि कंसिस्टेंटली 2-3 ओकेजन पे हमारे डेट चेंज होते गए। लेकिन तुम ऐसे सोच करके देखो कि यूजुअली जो अपना शेड्यूल्ड मैनर था उसके हिसाब से तो मई में ही हम लोग एग्जाम दे दिए होते, सो विच मीन कि हमको उसी इंटरवल तक अपने टेस्ट परफॉर्मेंस सब चीज़ों को कवर अप कर लेना चाहिए था। लेकिन जो ये आपका एक्सटेंडेड इंटरवल है तो इसमें अगर आप रिवीजन करते भी हो, लेट से कुछ चैप्टर्स आपके अगर बाकी रह जाते हैं तो उसमें आप क्या किया करो कि रिवीजन करने के बाद उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर दिया करना। अदरवाइज केवल पढ़कर के अगर छोड़ दोगे या केवल एक पर्टिकुलर चैप्टर को, एक पर्टिकुलर पोर्शन को तुमने पढ़ा और उसके बाद अगर टेस्ट नहीं दोगे तो फिर से तुम्हें फील गुड फैक्टर आ सकता है, तुम्हें लगेगा कि हाँ चीज़ें हमने रिवाइज कर ली। बट जब वापस से तुम पन्ने पलटोगे, जब टेस्ट में अपियर होगे तो चांसेस कम दिखेंगे तुमको कि उन चैप्टर्स के क्वेश्चन पहले के जैसा ही स्थिति है, लिटिल बिट बेटर हुआ है। बट अगर तुमको सचमुच में रिवाइज करके और उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो उस रिवीजन का भी यही तरीका है कि उतने पोर्शन के लिए तुम अपने अवेलेबल रिसोर्स में से दोबारा से टेस्ट में लिए बैठ लिया करो और उन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा करो कि मैंने सचमुच में कितना सा रिवीजन का हिस्सा सीख पाया है। सो ऑल द बेस्ट, कल फिर से अपना टेस्ट है, उम्मीद है कि आप फिर से उस टेस्ट में बढ़िया परफॉर्म करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे। थैंक यू, थैंक यू।